नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक फिल्म के बारे में जिसका नाम है धर्म। अभी ट्रेलर रिलीज हुआ है और पवन सिंह एंड इनकी टीम ने कैसा कुछ कमाल किया है, आइए आज की इस वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म के स्टोरी के बारे में, उसके बाद और सारी चीज़ें बताएंगे क्या अच्छा क्या बुरा है। तो सबसे पहले अगर इस फिल्म की स्टोरी देखें तो ये एकदम कमाल की और तकरी स्टोरी है। हमेशा सुनते थे ना कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में ये स्टोरी आ गया, वो स्टोरी आ गया, बस एक ही एक कॉन्सेप्ट पे चलता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस फिल्म में दिखाया गया है धर्म के लिए लड़ाई, जिसमें आपको एक्शन भी मिलेगा, ड्रामा भी मिलेगा, लव स्टोरी भी मिलेगा और कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है। मतलब आप अगर इस फिल्म की स्टोरी को हॉल में जाके देखते हैं तो आपको अपना पैसा बेकार नहीं जाएगा, भले 200 रुपया ही क्यों न लग जाए, क्योंकि भोजपुरी का ये तगड़ा स्टोरी वाला फिल्म बहुत दिनों बाद आया है। और वाकई लोग कहते हैं कि पवन सिंह कुछ नया परीक्षण करते हैं और ये परीक्षण वाकई बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही नया है। दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म के एक्शन के बारे में तो गंवारों वाला एक्शन नहीं है। पहले आप देखते थे ना एकदम गंवार टाइप का एक्शन, एकदम ना समझ में आ रहा है किसको मार रहा है, किसको पीट रहा है, और एकदम हीरो अपने में सुपरमैन बना पड़ा है, तो ऐसा भी कुछ एक्शन नहीं है। एक्शन बिल्कुल प्रोफेशनल लग रहा है, जैसे आप बॉलीवुड की फिल्मों में एक्शन देखते हैं ना, सेम टू सेम वैसा ही एक्शन है। और एक्शन डायरेक्टर बहुत ही कमाल का इसमें पवन सिंह को फिट किया है यहाँ पे, जिसके वजह से ये फिल्म का एक्शन 4 चांद लग जाता है। मतलब कुछ भी फेक नहीं है और कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको देख के आपको लगे कि अरे यार ये क्या कर दिया। हाँ लेकिन इसमें सबसे लास्ट में एक सीन ऐसा हमको लगा कि ये बेकार है, जो कि ये है, बाकी इसके अलावा जितना भी एक्शन है वो बड़ा ही कमाल का एक्शन है। दोस्तों इस फिल्म से पवन सिंह ने ये भी साबित कर दिया है कि उनके खिलाफ जो भी लोग बोलेगा पवन सिंह उसको अपने काम से जवाब देंगे। अब देखिए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पर विवाद होता था तो वो पवन सिंह के बॉडी पे, कि वो मोटे हैं, उनका पेट निकल गया, पता नहीं फलाना ढिमका। लेकिन इस फिल्म में पवन सिंह के बॉडी देखने के बाद उन लोगों से कहना चाहेंगे, जी हाँ इस फिल्म में पवन सिंह ने पता नहीं क्या खा के बॉडी बनाया है, बड़ा ही कमाल का बॉडी नज़र आ रहा है इनका। और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अब हम कह सकते हैं कि पवन सिंह का बॉडी भी झकास है, झकास। दोस्तों आगे इसमें बात करते हैं, पवन सिंह के साथ साथ जितने लोग काम कर रहे हैं सब लोग प्रोफेशनल दिख रहे हैं, सब लोगों को ऐसा देख के लगता है कि हाँ अब भोजपुरी का कोई क्लासिकल मूवी देख रहे हैं। कोई इसमें बहुत ज़्यादा गंवारपंथी को नहीं दिखाया गया है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, कोई बहुत ज़्यादा गांव के सीन को नहीं दिखाया गया है। देखिए ये सब गलत नहीं है, दिखाना किसी को गरीब, दिखाना किसी को अनपढ़ दिखाना, ये सब चीज़ें गलत नहीं है। लेकिन एक क्लास जो है, एक आदमी जो है, एक श्रोता जो है, वो सुनने वाला अच्छी चीज़ों को भी है, एक अर्बन भोजपुरी को भी सुनने वाला लोग है। और उस चीज़ को देखते हुए पवन सिंह ने बड़े ही कमाल से प्लेसमेंट किया है एक्टर और एक्ट्रेस का, जिसमें पवन सिंह खुद भी बहुत झकास लग रहे हैं और जितने भी साथ वाले काम करने वाले लोग हैं सब कुछ अच्छा लग रहा है, बस एक चीज़ को छोड़ के, और वो है हीरोइन। हीरोइन वही मोटी तगड़ी ताजी। खैर इस पे सोचना चाहिए, नए लोगों को मौका दें, लेकिन फिलहाल यही है कि सब लोग बहुत अच्छे हैं, बस हीरोइन को छोड़ के। दोस्तों सच बता रहे हैं आपको, आज से पहले जितनी भी भोजपुरी फिल्म आपने देखा होगा वो बस इस कॉन्सेप्ट पे बनाया जाता था कि किस तरीके से गरीब लोगों तक इस फिल्म को पहुँचाया जाए, किस तरीके से ज़्यादा पढ़े लिखे जागरूक लोग नहीं हो उन तक इस फिल्म को पहुँचाया जाए, गाँव के लोग ज़्यादा देखे। उसके बाद फिर एक क्लास आता था जो शहर में रहते हैं उनको टारगेट किया जाता था, जो रिक्शा वाले टेम्पू वाले हैं उनके हिसाब से गाना बनाया जाता था, फिल्म जाता था। लेकिन अगर इस फिल्म को आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, आप लोगों के लिए भी कुछ बनाया जा रहा है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में। और आप लोग भी अगर ऐसी फिल्मों को देखते हैं तो कहिएगा कि हाँ चलिए अब कुछ मिल रहा है भोजपुरी में। और अगर ये पहला स्टेप है, पवन सिंह ने कुछ अच्छा करने की कोशिश की है, तो सपोर्ट भी आपको करना चाहिए। दोस्तों ये बात हम कैसे कह रहे हैं वो हम आपको बताते हैं। फिल्म में लैंग्वेज का इस्तेमाल, इंग्लिश बोलने की भी कोशिश की गई है, इसमें थोड़ा हिंदी को भी मिक्स किया गया है और भोजपुरी को भी। जैसे हम आप कैसे घर में बात करते हैं, कभी कभी दोस्तों के साथ भोजपुरी में भी बात कर लिए और कहीं ज़रूरत पड़ा तो इंग्लिश में भी बात कर लिए, उस तरीके के कॉन्सेप्ट को फिल्म में भी लाने की कोशिश किया गया है। जितने लोग इसमें काम कर रहे हैं सब लोग बहुत अच्छे दिख रहे हैं, वेल एजुकेटेड दिख रहे हैं और एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट दिख रहे हैं। उसके बाद अगर बात करें इस ओवरऑल फिल्म के बारे में तो वाकई बहुत ही झकास फिल्म ट्रेलर से पता चलता है। बाकी फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो हम जरूर जाएंगे देखने और फिर हम आपको रिव्यू बना के बताएंगे कि आपको देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। फिलहाल आप नीचे कमेंट में बताइए कि आपको इस फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।